आदरणीय उषा दीदी छोटी थी तब से सोचती कि मुझे इस दुनिया में आखिर लाए ही क्यों, मेरी जरूरत ही क्या थी। कुछ बच्चे सपने देखने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ अन्याय सहने। सिर्फ बेटियां ही जानती हैं कि दूध दो तरह का होता है, दूध जैसा दूध और दूध के नाम पे पानी। क्या मुझे खेलने का शौक नहीं था? तो फिर मेरा ही बचपन बचपन जैसा क्यों नहीं? पढ़ने की चाह मुझ में भी थी, लेकिन स्कूल भेजा भाई को। माँ बापू कहते कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, तू तो पराया धन है। क्यों मुझे पराया धन कहा जाता है? क्या मैं बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती? क्या मेरा बोझ इतना ज्यादा है कि मुझे बाल विवाह के बहाने विदा किया जाता है? हमारे यहां बेटियां धीरे धीरे अपनी मां जैसी बेनूर हो जाती हैं। न अक्षर ज्ञान, न स्वमान, न सवाल पूछने की हिम्मत, न जवाब देने की ताकत। बस चुपचाप रहो और सहो। जब मैंने आशा ही छोड़ दी थी कि मेरे बारे में भी कोई सोच सकता है, मुझे भी कोई चुन सकता है, तब आपने मेरा हाथ थामा, आपने मुझे चुना। आपने मुझे पढ़ाया, मुझे अपनाया और मेरे सपनों को पंख भी आप ही से मिले। आप यही चाहती हैं ना कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, खुद के फैसले खुद लूं, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से जीऊं। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं शिक्षिका बनके, डॉक्टर बनके, एस्ट्रोनॉट बनके, खिलाड़ी बनके, सैनिक बनके, वैज्ञानिक बनके, आर्टिस्ट बनके, आर्किटेक्ट बनके आपकी आकांक्षाओं को पूरा करूंगी। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, आप प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। लिखितन, आपकी बेटियां। बेटियां समस्या नहीं, समाधान है। शिक्षित लड़कियां बदलाव का एक प्रबल जरिया है और इस बदलाव के लिए बेटियों को पढ़ाना होगा, उन्हें सशक्त करना होगा। शिक्षा स्त्रियों की कमाई क्षमता को 25% तक बढ़ा सकती है। जब 10% ज्यादा लड़कियां शिक्षा पाती हैं, तब देश की कुल घरेलू उत्पाद लगभग 3% बढ़ जाती है। अगर भारत की 1% ज्यादा लड़कियां माध्यमिक शाला जाएं, तो देश की कुल घरेलू उत्पाद अरबों रुपए बढ़ जाएगी। आइए स्त्री शिक्षा क्रांति को अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने गांव, अपने शहर तक ले जाएं। आइए इन बेटियों को शिक्षा का अवसर देके देश को समृद्धि की तरफ ले जाएं। सिस्टर निवेदिता फाउंडेशन के इस शिक्षा अभियान के साथ जुड़ें। आपकी सहाय इन बेटियों का जीवन बदल सकती है।